दोस्तों, जब हम दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के किताबों को पढ़ते हैं तो उनमें से ज्यादातर किताबों में ये दावा किया गया है कि हमारी धरती ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। जी हाँ, अलग अलग रिलीजन्स और एंशियंट सिविलाइजेशन में आपको एग्जैक्टली यही पॉइंट सुनने को मिलेगा। प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी अपनी किताबों में यही बात लिखी है। लेकिन अगर धरती इस ब्रह्मांड का केंद्र है तो हमारी धरती का केंद्र कौन सा है? मेरा मतलब, इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट सेंटर कहाँ है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार माउंट मेरू को यूनिवर्स का एक्सिस कहा गया है। ये एक सोने का या सोने के रंग वाला पर्वत है। किसी भी हिंदू या बुद्ध मंदिर के ऊपर आप जिस कलश रूपी संरचना को देखते हो वो असल में मेरू की ही रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये माउंट मेरू कहाँ है? वेल, हमारी प्राचीन किताबों में बताया गया है कि माउंट मेरू भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वतों में स्थित है। ये एक ऐसा पर्वत है जो जमीन में बहुत ही नीचे तक जाता है, जहाँ पर स्वर्ग स्थित है। इसे भगवानों का घर कहा जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार माउंट मेरू और उसके आसपास के इलाके में ही सभी भगवान वास करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो किताबों वाली बात होगी, लेकिन असल में माउंट मेरू कहाँ पर है? वेल, इसे जानने के लिए हमें हिंदुइज्म से बुद्धिज्म की ओर चलना होगा, जहाँ कैलाश पर्वत को ही माउंट मेरू कहा गया है। उनके अनुसार माउंट मेरू वो पर्वत है जिसको एक झील घेरे हुए है और जिसके चारों ओर चार पवित्र नदियां बहती है। ये डिस्क्रिप्शन कैलाश पर्वत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तिब्बतियन लोग इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, यानी कि वो जगह जिसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। हिंदू मान्यताओं की माने तो भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर वास करते हैं, और जैन धर्म में कहा गया है कि कैलाश पर्वत से ही पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 6638 मीटर ऊंची ये चोटी माउंट एवरेस्ट से काफी कम हाइट की है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसको कॉन्कर नहीं कर पाया है। कहते हैं कि एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे कि ऊपर चढ़ने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। कभी मौसम खराब हो जाता है तो कभी उस इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो वापस लौटने पर मजबूर हो जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान के लिए समय पूरी दुनिया के कंपैरिजन में तेज चलने लगता है, और उनके बाल और हाथों के नाखून तेजी से ग्रो होने लगते हैं। यानी कि इस जगह को टाइम ट्रेवल से भी जोड़ा जाता है। कहीं फोटोज में आपने इसके टॉप को गोल्डन कलर में चमकता हुआ भी देखा होगा। लेकिन अब मैं या आप तो नहीं कह सकते कि इसके इतनी सारी मिस्ट्रीज के पीछे का राज क्या है, और क्या ये सच में हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है? लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के बारे में वो डीप नॉलेज थी जो आज के मॉडर्न इंसान 1000 साल के बाद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ले जाने वाला हूं भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की सैर पर। लेकिन वेट ए मिनट, आई डोंट थिंक कि दुनिया भर के पाप करके बैठे हुए हम इंसानों को वैकुंठ में एंट्री भी मिलने वाली है। तो चलिए इस ट्रिप को यहीं कैंसिल करते हैं और बात करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में वैकुंठ धाम कहां पर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम उस जगह पर है जहां लाखों सूर्य चमकते हैं और करोड़ों ग्रह हैं। वहीं अगर हम भगवत पुराण में इसका जिक्र ढूंढते हैं तो इसकी लोकेशन ध्रुव तारे की ओर बताई गई है। आज हम उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में स्थित अल्फा उर्से माइनरिस यानी कि पोलैरिस को ही ध्रुव तारा मानते हैं। इसके आसपास हमारे सूरज के कंपैरिजन में बहुत बड़े बड़े और चमकदार तारे स्थित है। पोलैरिस की धरती से दूरी 433 लाइट ईयर्स है, लेकिन ये वैकुंठ धाम नहीं है। पुराणों में इसे ध्रुव लोक कहा गया है। अब ध्रुव लोक से वैकुंठ पहुंचने के सफर में हमें स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और ब्रह्म लोक से भी गुजरना होता है। ब्रह्म लोक वही जगह है जहां पर सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा रहते हैं। पुराणों के अनुसार जब एक ब्रह्मा का जन्म होता है तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और उस ब्रह्मा के अंत के साथ ब्रह्मांड का अंत भी हो जाता है। इस तरह हर एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा होते हैं जिन्हें द क्रिएटर कहा जाता है। लेकिन इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए तो मैं आपको वैकुंठ के बारे में ही बताऊंगा। दोस्तों, ब्रह्मलोक के बाद हमें वैकुंठ के दर्शन होते हैं। इन सभी लोकों के बीच की डिस्टेंस भी हमारे ग्रंथों में बताई गई है, जिसे आज के मेजरिंग पैरामीटर्स में कन्वर्ट करने पर हमें 433.79 लाइट ईयर्स की वैल्यू मिलती है। अगर हम इस वैल्यू को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये करीब 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन 3 बिलियन 150 मिलियन
मिलियन 78,444 किलोमीटर होता है। आज के समय में इंसानों ने स्पेस में चलने वाला जो फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है वो है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जिसकी स्पीड 692,000 किलोमीटर पर आवर की है। अगर हम इसी स्पीड से वैकुंठ धाम तक जाने की कोशिश करें तो हमें 593,640,390 घंटे यानी कि करीब 677,000 साल का समय लगेगा। मतलब भाई हम इंसान अपने लाइफ टाइम में तो यहां तक कभी भी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों के द्वारा भगवान का वो दिव्य ज्ञान तो हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और श्री कृष्ण का ज्ञान महाभारत और भगवद गीता में छिपा हुआ है। आपने शायद महाभारत और भगवद गीता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको इससे जुड़े बातें और सीख सुनने में बहुत आनंद आता होगा। सही कह रहा हूं ना? अब जरा आप ही ये सोचिए कि अगर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान बोलकर नहीं बल्कि लिख कर दिया होता तो क्या वो उसे उतनी ही अच्छी तरह से समझ पाते? वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ने के कंपैरिजन में किसी भी चीज को सुनने से हमें वो ज्यादा समय तक याद रहता है, और दूसरी तरफ पढ़ने के कंपैरिजन में इसमें समय भी काफी कम लगता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको बुक्स पढ़नी ना पड़े बल्कि ये अपनी कहानी खुद आपको सुनाए तो कुकू FM इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने मन पसंद के टॉपिक से जुड़ी हजारों ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, और अगर आप महाभारत के युद्ध और गीता के ज्ञान से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को सुनना चाहते हो तो मैं आपको कुकू FM पर मौजूद राज श्रीवास्तव की लिखी बुक महाभारत को सुनने की सलाह दूंगा। भगवान कृष्ण के वचन हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सुधारने में मदद करते हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न जमाने की जरूरत के अनुसार अपनी फाइनेंशियल लाइफ में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो कुकू FM पर आपको रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स और द 5 AM क्लब जैसी ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। एंड गेस व्हाट, ये सब आपको मिलता है दिन के 1 रुपए से भी कम में। जी हाँ, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड ANT50 को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी 399 नहीं बल्कि 199 रुपए लगेंगे, वो भी एक साल के लिए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। तो सोच क्या रहे हो, कुकू FM जैसे मेड इन इंडिया ऐप को अभी डाउनलोड करो और सोते जागते दौड़ते भागते ऑडियो बुक सुनते रहो। ये सच में लाइफ चेंजिंग है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। लेकिन अब इससे पहले कि आप कुकू FM पर ऑडियो बुक सुनने के लिए निकल जाओ, मैं आपको दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट ऋग्वेद में छिपे अंतरिक्ष के राज के बारे में बताना चाहता हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें स्त्रोत में हमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में पता चलता है, जिसे नासदीय सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। नासदा सिन्नो सदा सित दानिम नासी द्रज्जो नो व्योमा परोयत किमा वरिवह कुह कस्य सर्मन्नम्भ किमासिद गहनम गभीरम। नासदीय सूक्त की पहली 2 लाइन्स में कहा गया है कि समय की शुरुआत में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ना ही पदार्थ था और ना ही कोई अंतरिक्ष थी। इसके अगले 2 लाइन्स में ब्रह्मांड में हर तरफ अचानक से फैलते प्लाज्मा की बात कही गई और सवाल उठाया गया कि ये प्लाज्मा अब तक कहाँ था और इसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा था। तम आसित तमसा गुल्हम अगरे प्रकेतम सलिलम सर्वोइदम तुच्छे ना भव पिहितम यदासित तपसस तन महिना जाये तैकम। इन लाइन्स में ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, यानी कि कुछ भी नहीं था, और फिर एक फ्लूइड की बात कही गई है जो लगातार फैलता जा रहा था। सारे तत्व आकार ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ जीवन की शुरुआत होती है। अब मैं इसके हर एक लाइन को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इतना सुनकर आप ये साफ साफ समझ चुके होंगे कि नासदीय सूक्त में यूनिवर्स की फॉर्मेशन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप जरा गौर से देखें तो ये सब बिल्कुल बिग बैंग थियोरी के एक्सप्लेनेशन की तरह ही लग रहा है। सबसे पहले तो यूनिवर्स में किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी कि फिजिक्स के लॉस जैसा भी कुछ भी नहीं था। इसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे चारों ओर फैला अंधकार अनजान था। यहाँ पर बिग बैंग एक्सप्लोजन की बात हो रही है, जिसके बाद ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और मटेरियल शेप ले रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या नासदीय सूक्त सच में बिग बैंग थियरी को ही बता रही है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जाते जाते आखिर में मैं आपको हिमालय के वादियों में बसी एक रहस्यमयी शहर के बारे में बताने वाला हूँ। कहते हैं कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत ही एडवांस्ड इंसान रहते हैं। उन इंसानों के पास हमारे कंपैरिजन में कई सुपर पावर्स है और वो हमसे कई गुना इंटेलिजेंट भी है। इन शॉर्ट, संभल देवताओं का शहर है।
लेकिन आखिर ये है क्या? वेल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हिमालय की वादियों में है, लेकिन इसकी पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अलग अलग बुक्स में इसकी लोकेशन तिब्बत से लेकर उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान तक बताई जाती है। मतलब हर जगह अलग अलग लोकेशन मेंशनड है। तो क्या ऐसा कोई शहर असल में भी एग्जिस्ट करता है? अगर हम अपने प्राचीन टेक्स्ट को सच में माने तो जी हाँ, ये शहर एग्जिस्ट करता है। बुद्धिस्ट, हिंदू और तिब्बत के बोन रिलीजन में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि ये शहर सभी को नहीं दिखता, बल्कि जो इंसान मन, वचन और क्रम से पवित्र होता है वही संभल को देख सकता है और वही इसके अंदर जा सकता है। बीच बीच में ऐसे दावे आते रहते हैं जहां लोग संभल को देखने और वहां के लोगों से मिलने की बात कहते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स मानते हैं कि हो सकता है कि संभल कोई दूसरी ही डायमेंशन का शहर हो। अब चूंकि हम इंसान सिर्फ 3 डायमेंशंस को ही जानते हैं और इन्हें ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हम संभल को देख ही नहीं पा रहे हैं। और हो तो ये भी सकता है कि संभल पैरेलल यूनिवर्स का कोई शहर हो, जहां से लोग ओकेजनली हमारी दुनिया में आ जाते रहे हो, या फिर हमारी दुनिया के लोग ओकेजनली संभल में एंटर हो जाते हो। कोई नहीं जानता कि इस शहर का रहस्य क्या है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे कई सारे नॉलेजेबल चीजें लिखी हुई है जिसे हम इंडियंस तो अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, लेकिन बाहर के लोग इसी ज्ञान को हासिल करके नई नई थियोरीज इजाद कर देते हैं। हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में ऐसी कई सारी थियोरीज पहले से ही दी जा चुकी है जिसे आजकल के सो कॉल्ड रिसर्चर्स खोज कर नई नई थियोरी निकाल रहे हैं। तो बस, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने कोकू एफएम को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जल्दी डाउनलोड करो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।